तो तुम दिलन हो? और तुम्हें ही मेरा वॉलेट मिला था? हाँ, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा तुम्हें हमारी पहली मुलाकात याद है। और मुझे कभी नहीं लगा था तुम्हारा वॉलेट मुझे मिलेगा और हम फिर से मिलेंगे। तो क्या शी ने तुम्हें मेरा नंबर दिया? थैंक यू। वैसे भी अभी मुझे जरूरत है जो खोया है वो पाने की। मुझे लगा था मेरे पास जो कुछ है वो सब कुछ चला जाएगा। कभी कभी तुमसे जो खो जाता है वो वापस भी आता है तुम्हारी रक्षा करने के लिए। सच में क्या? मुझे अफसोस है मैं उतनी लकी नहीं हूं। ऐसा लगता है मेरे पास सब कुछ वापस आ गया है लेकिन तभी सब कुछ चला जाता है। भरोसा करो, तुम्हारा बैड लक अब खत्म होने वाला है। जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हो तुम। हाँ? मुझे ऐसा लगता था कि तुम एक आर्ट डीलर हो जो बिल्कुल दुनिया से अलग विचार करता है। अभी तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही पैशनेट हो। और वैसे भी तुम मुझे बहुत ही फैमिलियर लगते हो। तुम भी वाकई में काफी अलग हो। मुझे लगा था बचपन के हादसे की वजह से तुमने हार मान ली होगी। इतने मुश्किल हालात में भी मेहनत करके तुम एशिया की टॉप डांसर बन गई, सच में इंप्रेसिव है। ये बात तो तुम्हें भी पता है, तुम सक्सेसफुल हो फिर भी सेंसिटिव हो। कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वॉलेट में एक इम्पोर्टेंट फोटो है। बहुत प्यारी फोटो है। मेरे पास भी मेरे छोटी बहन की फोटो है। मैं बहुत ही अच्छी बच्ची थी लेकिन मुझे मेरा पास्ट याद नहीं करना। अगर याद नहीं करना चाहती तो फिर तुम्हारे वॉलेट में ये फोटो क्यों रखी है? क्योंकि ये फोटो मुझे याद दिलाता है मेरा दर्द भरा बचपन जिसमें मैं मेरी फैमिली से बहुत दूर चली गई। कोई एक फैमिली ने मुझे अडॉप्ट कर लिया। क्या सच में तुम्हें परिवार ने छोड़ दिया था? अगर ऐसा नहीं है तो उन्होंने मुझे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की जब मेरी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया, जब मैंने सरवाइव करने के लिए पार्ट टाइम जॉब्स किए, जब मैं बिल्कुल अकेली थी, जब मुझे मेरी फैमिली की बहुत ज्यादा जरूरत थी, तब कहाँ थे वो? मैं उनसे नफरत करती हूँ। इस सब में एक अच्छी बात हुई, इस नफरत ने मुझे एक अकेली व्हाइट स्वैन बना दिया। छोड़ो, जाने दो उस बुरी यादों को, वो खराब है
मैं कभी अजनबी को इतना सब कुछ नहीं बताती। होप यू डोंट माइंड। कोई बात नहीं, हम बाद में मिलेंगे। मैं अभी चलता हूँ। लगता है तुम्हें हमारे बारे में बहुत गलत फहमी है। हेलो टॉम। मास्टर, मैंने वर्कशॉप क्लीन कर लिया है और सारी चीजें चेक करके रखी है। हमारे वर्कशॉप के लिए मैंने शंघाई में काफी लोकेशंस चेक की है। आपको एड्रेस भी भेजा है, आप चेक कर लेना। और वहाँ पे एक एग्जीबिशन भी इस साल ईयर एंड में होगा, आप उसे मिस नहीं कर सकते। सोप होल्डर के बारे में, सोप होल्डर। हाँ ठीक है, वो सोप होल्डर के डिजाइन का क्या हुआ? मैंने मेरे डिजाइन तो भेज दिए है, कंपनी के लोग अभी उसे चेक कर रहे हैं। मैं चेंगजी ग्रुप के लोगों से कनेक्टेड हूँ, जब ये मार्केट में आएगा बहुत ही फेमस होने वाला है। उसे पूछो उन दोनों के रिश्ते के बारे में, उसने कुछ नहीं बताया। उनको थोड़ा वक्त दो, अगर हम ऐसे ही जल्दबाजी करते रहेंगे तो मैं तुम्हें बताता हूँ सब कुछ बिगड़ जाएगा। ये मुझ पे छोड़ दो। जैक्सन, स्पेशल एग्जीबिशन के बारे में तुम्हारा कुछ प्लान है? वैसे शंघाई कब आ रही हो? मैं शंघाई नहीं आने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ पूरे दुनिया की सफर कर लूँ। हाँ,
थैंक यू सो मच, मैंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। कोई बात नहीं, क्या डिसीजन लिया तुमने? तुमने ही कहा था ना, ये छोटा रॉकिंग हॉर्स मुझे बहुत खुशी देगा और दुनिया के हर कोने में मेरा साथ देगा, और फिर मेरे अनुभव मेरे इंस्पिरेशन बन जाएंगे, सही है ना? हाँ, तो तुमने फिगर आउट कर ही लिया? हाँ, मैंने सोचा है मैं दुनिया की सफर कर लूँ, मैं एक महीने में निकल जाऊंगी। तुम मेरे लिए खुश हो ना? मुझे तो ये आइडिया 3 साल पहले ही आया था, लेकिन मुझ में पहले इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन अब 3 साल बाद मुझ में वो हिम्मत आ गई है और अब मैं इसकी शुरुआत करना चाहती हूँ। थैंक यू मिस्टर डब्ल्यू। मेरा कहने का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं था। अभी क्या बोलूं उसे? क्या तुम बिजी हो? मुझे तुमसे बात करनी है। नहीं नहीं नहीं, मैं बिजी नहीं हूँ। मुझे लगता है तुम्हें एक डिटेल प्लान बनाना चाहिए तुम्हारे वर्ल्ड टूर के लिए, और जल्दबाजी मत करो। वैसे भी काफी कंट्रीज डेंजरस होते हैं, तुम अकेली कैसे रहोगी? लेकिन तुम ही तो कहते हो मैं बहुत ज्यादा प्लान करती हूँ, और उस वजह से मैं अपने जिंदगी की छोटी छोटी खुशियाँ गवा देती हूँ। लेकिन इस बार मैं कहीं जाना चाहती हूँ बिना प्लान किए। जैक्सन, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्यों ना शंघाई तुम्हारा पहला स्टॉप बनाए? ये मुझे नहीं लगता, मैं शंघाई को जानती हूँ, मैं वहां जाऊंगी तो निकल ही नहीं पाऊंगी। शंघाई आखिरी स्टॉप होना चाहिए। फूड डिलीवरी। मुझे जाना है, बाद में बात करते हैं, बाय। वांगशी, तू पागल है क्या? तुम्हें उसे वापस लाना है, लेकिन तुम उसे दूर ढकल रहे हो। कम ऑन, मुझे तरकीब लगानी होगी उसे शंघाई वापस लाने के लिए। हेलो, सीकी के साथ तुम्हारे शादी के लिए क्या कंडीशंस हैं? ऐसे सडनली कैसे पूछ लिया आपने? वो सब छोड़ो और आप बताओ। हाँ यार, सेंट्रल एरिया में 100 स्क्वायर मीटर का एक घर, डायमंड रिंग जो 1 कैरेट की हो, यूरोप में हनीमून और एक अच्छा हॉल। वो सब मैं दे दूंगा। क्या आप सच बोल रहे हो? क्या हो क्या गया आपको? मैंने सैलरी बढ़ाने के लिए कहा, आपने मना कर दिया, और अभी ऐसा बर्ताव कर रहे हो। तुम्हें शादी करनी है या नहीं? अभी के अभी जाकर अपना रिंग खरीदना और उसे तुरंत प्रपोज करना, आज के रात हो जाना चाहिए। अगर तुम फेल हुए तो तुम्हें फायर किया जाएगा, समझ गए? मजा आ गया, मजा आ गया। अब शादी पक्की हो गई। वाओ,
ये डायमंड रिंग 1 कैरेट से भी ज्यादा लग रही है। तुम बहुत प्यारे हो जो तुमने ये मेरे लिए ली। इस वीकेंड हमें घर ढूंढने जाना है। रेस्टोरेंट तुम चूज कर सकती हो और हनीमून तुम बोलोगे वही होगा। और इसका मतलब ये है कि तुम जैसे चाहती हो वैसे ही हम करने वाले। तुम इतना सोच रहे हो? मैं सपने में तो नहीं हूं। तो ये सपना कभी खत्म ही ना हो। एक मिनट, सच बताओ, क्या तुमने कोई लॉटरी जीती है? पैसे की चिंता तुम मत करो, मैंने बहुत सारे पैसे कमाए हैं। तुम्हें पता है मिस्टर ई के साथ काम करने में बहुत सारे फायदे हैं। क्या बोलते हो, मुझसे शादी करोगी? वन टाइम ऑफर है और तुम्हारा वक्त शुरू होता है अब। मैंने ऐसा तो नहीं कहा, इतनी जल्दी क्यों? ठीक है, मुझसे शादी करने वाली हो तो मैं तुम्हें एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मुझे पता ही था, बताओ। हाँ, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसा है, मिस्टर ई जो हम दोनों के शादी को स्पॉन्सर करने वाले हैं, उन्हें हमारी शादी के लिए कोई मेड ऑफ ऑनर चाहिए, जो कि जिया क्षिन है। क्या, पैसों के लिए मैं अपने दोस्त को धोखा दे दूं? मैं प्यार की वजह से शादी कर रही हूँ और इसे लेके मैं अपने दोस्त को धोखा दे दूं? पता था मुझे तुम ऐसे ही कहोगी। मिस्टर ई ने भी कहा है अगर प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं हुआ तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। कल मैं काम पर नहीं गया तो मुझे ये सब वापस करना पड़ेगा। जैक्सिन और डिलेन के बीच में तो कुछ नहीं हो रहा, और शी के साथ भी तो उसका कुछ हो सकता है। थोड़ा सा पुश चाहिए। अगर मैंने उसे बताया तो वो कंप्लेन करेगी, पर फिर भी वो मेरी शादी पे आएगी। मैं मानता हूँ तुम्हें और तुम्हारा रिस्पेक्ट भी करता हूँ। मैं मानता हूँ कि तुम पैसों के खिलाफ खड़ी रह सकती हो। कुछ तो हो ही जाएगा। मिस्टर ही तो स्पॉन्सर करने के लिए तैयार भी थे, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकते थे। मेरी जिंदगी हो तुम एंसन, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ? हेलो बेबी। मैं जानती हूँ तुम बहुत बुरी हो, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, फिर भी मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त हूँ, इसलिए मैं बताना चाहती हूँ। क्या जानूंगी मैं? ध्यान से सुनना, मैं शादी करने वाली हूँ। मुझे लगा था, जैसा तुमने भी कहा था, कि एंसन तुम्हें ग्रैंड वेडिंग नहीं देगा। हाँ, पर अब उसके पास पैसे है तो मैं मना कैसे करूं? क्या उसने शादी के लिए पैसे तो उधार नहीं लिए, सिर्फ तुम्हारे खातिर? नहीं, उसे स्पॉन्सर मिला है, जो बहुत अच्छा है, और तुम्हारा एक्स हस्बैंड भी है। थैंक्स टू हिम। पर एक बात बताती हूँ, तुम इस वजह से मना तो नहीं करोगी? तुमने प्रॉमिस किया था तुम मेड ऑफ ऑनर हो, टिच नहीं कर सकती अब। लूसी की, तुम सच में बहुत पागल हो। इतनी बड़ी वकील हो तो तुम्हें ये बात समझनी चाहिए कि तुम्हारी शादी वांगशी स्पॉन्सर कर रहा है। क्या तुम्हें पक्का यकीन है मैं वहां आऊंगी? पिछली बार तुम चाहती थी कि मैं शादी की बात करूं, अब तुम मुझे एक अच्छी बात बताओ कि वो तुमसे शादी क्यों कर रहा है? मुझे पता है, मैं जानती हूँ वांगशी की सोच कैसी है, इसलिए मैं तुम्हें सब सच बता रही हूँ। वैसे भी हमें क्या ही फर्क पड़ता है, वो तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा। सही कहा जैक्सिन, प्लीज मुझ पे फेवर कर दो। अब मैं शादी करने वाली हूँ तो तुम्हें आना ही होगा। मेरी बेस्ट फ्रेंड होने के नाते तुम्हें कोई परवाह नहीं मेरी खुशी की? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ठीक है, तुम सबसे प्यारी इंसान हो जो अचानक गायब हुई 3 साल के लिए। तो जैक्सिन प्लीज आ जाओ। सोचो, मेरी बड़ी शादी होगी, एक छोटा सा घर होगा और डायमंड की रिंग भी होगी। प्लीज मुझ पे एहसान कर दो। अगर तुम मेरी शादी पे नहीं आई तो मुझे बहुत ज्यादा अफसोस होगा। मैं और एंसन कभी खुश नहीं रह पाएंगे। रहने भी दो, मैं ये बात बिल्कुल नहीं मानने वाली।
चाहे हमारे दोस्ती के लिए तुम मुझे धोखेबाज क्यों ना कह दो, मैं तुम पे विश्वास नहीं करूंगी। ठीक है, मुझे डेट और एड्रेस भेज दो। जैक्सिन, तुम सबसे अच्छी हो। सुनो ना शांघाई, थोड़ी जल्दी आ जाओ, इससे मुझे शॉपिंग करनी है, बहुत कुछ खरीदना है। मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। आई मिस यू टू, लव यू। फिर मिलेंगे बुडापेस्ट। शंघाई, मैं आ रही हूँ। माँ, दादी और मास्टर जोशान अपने एक पुराने दोस्त से मिलने गए हैं। हम दोनों के लिए इतना सामान। तुम्हें पता नहीं, हमें जैक्सिन मिल गई है, वो हंगरी में है। है ना किस्मत की बात। क्या वो सच में मिल गई? किसने ढूंढा उसे? तुम्हारे भाई ने। और किसने? वो चाहे कहीं भी हो, तुम्हारा भाई उसे आसानी से ढूंढ लेगा। भाई ने तो कमाल कर दिया। मैंने 3 साल निकाल दिए हुआनियो आइलैंड में ये सोच के कि जैक्सिन कहाँ होगी, लेकिन अपने भाई ने उसे हंगेरी में ढूंढ ही निकाला। कुछ भी कहो, आखिर बने तो एक दूजे के लिए ही है, जैसे कि रब ने बनाई जोड़ी। मैं आज मजेदार खाना बनाऊंगी, क्या पता जैक्सिन तुम्हारे भाई के साथ आ जाए, है ना? हाँ, सही कहा, सही कहा। शैतान का नाम लिया और वो हाजिर। अरे तुम तो वापस आ गए। तुम अकेले कैसे? हाँ, जैक्सिन कहाँ है? क्या तुम दोनों साथ नहीं आए? जैक्सिन तो वानियो आइलैंड गई है। पिछले 3 साल से लग रहा था कि वो आएगी, और जैक्सिन से मिलने की उम्मीद लगाए बैठी थी। अब लगता नहीं कि इच्छा पूरी होगी। कोई बात नहीं, चलो घर चलते हैं। लाओ भाई, तुम्हारी बैग दे दो। कोई बात नहीं, थक गए होगे ना? जेट लैग की थकान होगी, चलो। Thank you.
हेलो मैम, क्या आप ये शैम्पू ट्राई करना चाहती हो? प्लीज ट्राई करके देखो, ट्राई तो करके। थैंक यू। जैक्सन, कैसे हो बंदर? कितनी सुंदर लग रही हो, मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं। कितने साल हो गए, तुम थी कहाँ? वैसे तुम्हें ये गमले वाले पेड़ कहाँ से मिले? उस पे लिखा है कि ये पौधे शिमी के हैं। बस ये फूल ही नहीं, पर आइलैंड की ये पार्क और लाइब्रेरी, ये सारी चीजें मिस्टर ई और चेन जी ग्रुप ने खरीद ली है। ये तो देखो, ये तो इस आइलैंड का गाइड है। ये चेंग जी ग्रुप ने प्रिंट किया है। हाँ, ये कितनी बढ़िया बात है ना, उन्होंने तो इस आइलैंड का पूरा नक्शा ही बदल दिया। बस पर्यटन की सुविधा ही नहीं, लेकिन मेडिकल की हर चीजें उन्होंने अपग्रेड कर दी है और लाइब्रेरी भी बनाई है। जी एक्शन, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, चलो मेरे साथ। यहाँ यहाँ से नीचे देखो कितना सुंदर है ये। रिबिन कटिंग सेरेमनी पे मिस्टर ई ने कहा वो बच्चों के लिए नैसर्गिक वातावरण में एक अच्छी सी जगह बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा बच्चे तो मन के बहुत ही सच्चे और अच्छे होते हैं, इसीलिए ये सब किया। और मुझे भी यही सही लगता है, जीवन में कितनी भी कठिनाई आए लेकिन इन बच्चों को यहाँ पे ऐसे देख के सब कुछ अच्छा लगने लगता है। और चेंजी ग्रुप ने शिमी होम प्राइमरी स्कूल के लिए फंडिंग भी दिया है ताकि हर आइलैंड का बच्चा स्कूल आ सके और पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन जाए। लाइन बना के आ जाए आराम से। ठीक है। मिस्टर ई ने यहाँ पे बहुत खर्चा किया है ताकि हमारा सपना पूरा हो सके। उन्होंने आइलैंड के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए सारे लोग मिस्टर ई और चेंजी ग्रुप को बहुत मानते हैं। लुका छुपी खेलते हैं, ठीक है? अरे भागो, वो आ गया। चलो चलो चलो, पकड़ो। जैक्सन, मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। माँ, मैंने तुम्हें कहा था राह देखो मेरी। माँ, ऐसा नहीं है, मैं इस जगह को जानती हूँ, मैं बस यहाँ टहल रही थी। अंकल आंटी, आप यहाँ कैसे? ये हमारे नए पड़ोसी हैं और तुमसे मिलना चाहते हैं। जैक्सन, सालों बाद तुम्हें देख रहा हूँ, तुम कितनी बदल गई हो। नसीब का खेल है ये, नसीब का खेल। क्या कह रहे हो, कैसे रहे हो जैसे जैक्सन पर बुरा साया था। मुझे तुमसे जलन होती है कि मिस्टर ई तुम्हारा दामाद है।
कौन सा जमाई? मैंने तुम्हें 100 बार कहा है कि उसका जैक्सन से कोई वास्ता नहीं है। चलो यहाँ से, चलो। मैं भी यहाँ काफी समय के बाद आ रही हूँ। इन पड़ोसियों की बातों को दिल से मत लगाना। बिल्कुल भी नहीं। हमारा ये गांव तो कितना बदल गया, लेकिन हमारा घर नहीं बदला। बिल्कुल ये जगह नहीं बदलेगी। वांगशी चाहे कितना भी पैसा खर्च करे, मेरे लिए काम का नहीं है। बाकी लोगों की तरह मेरे ख्याल उसके लिए नहीं बदलेंगे। वैसे कुछ तो बदल गया है। सालों पहले तुम्हारे पापा ने और मैंने मिलकर ये घर बनाया, इस आशा में कि तुम्हारे लिए ये एक सुरक्षित जगह होगी। फिर तुम बड़ी हुई और शंघाई चली गई, पहले पढ़ाई और फिर काम के लिए। मुझे लगा तुम्हारे लिए सही होगा, तुम अपनी आंखों से एक बड़ी दुनिया को देखोगी और फिर घर वापस आ जाओगी। लेकिन पता नहीं था कि तुम शंघाई की फैमिली में शादी करोगी। उसके बाद तुम सीधा परदेश चली गई। मुझे पता था तुम यहाँ जरूर आओगी। मैंने जीवन बिताया है यहाँ। देखा जाए तो मैंने भी घर छोड़ दिया है। मुझे सबको बताना पड़ता है कि मैं अपने घर छुट्टियों के लिए जा रही हूँ। अजीब बात है ना? ये घर एकदम खाली हो गया। माँ, तुम रो रही हो? सब कुछ ठीक है, रोते नहीं। तुम वहां अच्छा कर रही हो, मुझे गर्व है तुम पर। अगर यहाँ आइलैंड पर रहती तो ये सब कभी नहीं कर पाती। ये सही डिसीशन था। ये माता पिता का स्वार्थ होता है कि वो अपने बच्चों को खुला नहीं छोड़ते, सच कहा ना? माँ, मैं हमेशा पहले आपके पास ही आती हूँ। कभी कभी ध्यान रखना भूल जाती हूँ। ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि तुम मेरी आंखों का तारा हो। क्यों ना हम जीशान को हमारे घर खाने पर बुलाए, क्या कहती हो? वो मुझे सफाई में मदद करेगी और मैं अच्छा सा खाना भी बनाऊंगी। अच्छे से खाना, ठीक है? हेलो, चलो डिनर टाइम। हाथ धो के आओ। अरे वाह, तुम अब्रॉड जाके बहुत ही चेंज हो चुकी हो। हाँ, इतनी चेंज हो गई कि मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। हाँ, आप भी बहुत अच्छे लग रही है। अब आप गोरी भी हो गई और स्मार्ट भी। उसकी खूबसूरती तो पैसे से बनी है, सब मिस्टर यी के कारण। तुम खाना बनाते वक्त सूट मत पहना करो। निकालो उसे, निकालो जल्दी, निकाल दो। अरे हाँ, सब वैंगशी की गलती है, वरना जिंदगी हमारे लिए आसान होती। ध्यान की, जरा मदद करो मेरी। ओए, ये कड़वा है क्या? ओ अच्छा, बुरा तो लगा लेकिन दिल में। अब 3 साल हो चुके हैं, तुम हमारी जिंदगी ऐसे आइलैंड पे नहीं दे सकती। वो मेरा घर है ना, पूरा बुक है। थोड़ा भी टाइम नहीं मिलता रेस्ट करने के लिए। और क्या चाहिए आइलैंड पे ऐसे बीच होने के लिए? लोग इतने सिंपल क्यों नहीं रहते? अब ये सब सिर्फ बिजनेस है। और बताओ, मिस्टर जिया फैंग हेरिटेज का एक होनहार मेंबर, चेंगजी ग्रुप में बेबी प्रोडक्ट्स का एक नया चेहरा। इसके एंडोर्समेंट फी की वजह से हमें काम ही नहीं करना पड़ेगा। घर में इतनी सारी चीजें हैं, हमें सिर्फ खरीदना है तो डायपर।
ये सब बातें सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये यही चाहते हैं, तुम्हारे सामने वांगशी के बारे में बात करने से डरते हैं। तभी तो उसके बारे में अच्छा बोलते रहते हैं। क्या मैं आपको पैसे लेके भाग जाने वाली लगती हूँ? अगर रीढ़ की हड्डी होती तो जियाफिंग के सारे पैसे डोनेट कर देते। ठीक है ठीक है। वाव, आज हॉटपॉट बनने वाला है, मैं कितने दिनों बाद खाऊंगी। जीजू जल्दी करो। जीजा जी कहो। थोड़ा पानी मिलाओ ना। और पानी डालो। हेलो मिस शी, मैं हुआई रोड के दुकान का मालिक बोल रहा हूँ। ओह हेलो, क्या बात है? मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया कि मैं आपके डांस स्टूडियो का रेंट अगले महीने से 2000 युआन बढ़ा रहा हूँ। अंकल, हमारा 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था और ऐसे बीच में आप प्राइजेस बढ़ाओगे तो मैं क्या करूँगी? तुम बताओ मैं क्यों नहीं तुम्हारा रेंट बढ़ाऊँ? पहले तो मुझे लगा था कि तुम एक लड़की हो तो बिजनेस करने में मुश्किल होगी, लेकिन तुम्हारे उद्घाटन पर चेंजिंग रूम से फूल आए थे, मैंने वो देखे थे। जब भी मैं इस बारे में सोचता हूँ तो अपने आप को बेवकूफ पाता हूँ। अंकल, मैं बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ, बस यही चीज मैं अपने बॉयफ्रेंड के लिए करना चाहती हूँ। तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ तुम्हारा कैसा रिश्ता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझे वही कीमत दोगी जो मैं चाहता हूँ। मैंने मेरा पूरा सेविंग डेकोरेशन और इनोवेशन में इन्वेस्ट किया है, मैंने वो अभी अभी खोला है, मैं मेरे पैसे सारे गवा दूंगी। आप देखिए ना, अभी 2 महीने के लिए तो सस्टेन होता है क्या? फिर तुम दुकान छोड़ सकती हो। तुम घर पहुंच गई? हाँ। मुझे लगा तुम वर्ल्ड ट्रिप पर निकली हो। मेरी बेस्ट फ्रेंड शादी कर रही है इसलिए मैं यहां आई हूं। मेरे हिसाब से तो अपना गांव ही सबसे बढ़िया होता है जहां से वर्ल्ड टूर शुरू किया जा सकता है। तुम्हें पता है वो अपने ही लोग हैं जो हमें पूरी शक्ति देते हैं। तुम सही थे, मुझे देखते ही माँ खुश हो गई और उसे ऐसा देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा गांव बहुत अच्छा बन गया है। और तुम्हारा क्या, सब ठीक है? तुम खुश तो हो ना?
मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ मैं अच्छी हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ। ये नकाब है। हाँ, ये नकाब है। जिस दिन से मैंने तुम्हें छोड़ा है और जो कुछ भी मैंने किया है वो सिर्फ ये साबित करने के लिए कि मैं तुम्हारे सिवा जी सकती हूं। फिर देखो मुझे। देखो मुझे, कहो कि तुम मुझसे उभर गई हो। अपना हाथ दो मुझे।